अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताना कि आवाज़ ठीक आ रही है। हेलो, ओके, थैंक यू। यार एक काम करना, ग्रुप पे एक मैसेज कर देना कि क्लास स्टार्ट हो गई है। हम 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं, बस ग्रुप पे मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। हो गया। तो हम लोगों ने डिमांड सप्लाई शुरू किया हुआ था। आज की क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है, इसका रीज़न 2-3 है। खैर रीज़न्स में नहीं जाते, अभी छोड़ो। इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, सुबह से एक मसला ये भी चल रहा है, जब ये वाली क्लास और लेट स्टार्ट हुई है स्केड्यूल टाइम के बाद भी। खैर हमारा सिलेबस सही चल रहा है, डिमांड सप्लाई हम पढ़ रहे हैं, यही हमने पढ़ना है जब तक हमारे कॉलेज खुल ना जाए। कॉलेज होपफुली मंडे को खुल रहे हैं, तो वो भी अच्छा सीन है। बाकी हम एक ये चीज़ देख लेते हैं कि हम पढ़ के रहे थे। हाँ, हमने स्टार्ट किया था, आफ्टर स्टेब्लिशिंग द मार्केट इक्विलिब्रियम वी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट कि हाउ द इक्विलिब्रियम विल चेंज, हाउ द मार्केट प्राइस एंड मार्केट क्वांटिटी विल चेंज ओवर टाइम। प्राइस मैकेनिज्म को डिफाइन किया था और हमने सवाल पूछा था हाउ प्राइसेस चेंज ओवर टाइम, ठीक है। और उसका सिंपल एक जवाब है कि प्राइसेस चेंज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन डिमांड सप्लाई। जब भी डिमांड या सप्लाई में से कोई भी एक चीज़ चेंज होगी, प्राइसेस टेंड टू चेंज। और यही चीज़ हमने डिस्कस की थी, 2-3 केसेस देखे थे, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड या इंक्रीज इन सप्लाई। अभी लास्ट से डिक्रीज इन सप्लाई देख लेंगे और फिर हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे इनको। ज़रा सा रिकैप, व्हेन यू टॉक्ड अबाउट इंक्रीज इन डिमांड, अच्छा हमने वर्ड फाइल में लिखी थी जो चीज़ें, वो होपफुली आपने लिख ली थी उसी वक्त। अभी मैं सिर्फ उसको ऊपर से डिस्कस कर रहा हूँ। हमने ये कहा था डिमांड जब भी बढ़ेगी, डिमांड ऑब्वियसली राइट पे जाएगी, डिमांड के बढ़ने की वजह से या किसी भी ग्राफ के शिफ्ट होने की वजह से होता क्या है। इनिशियली ये ग्राफ था, ग्राफ शिफ्ट हो गया D1 पे। D1 पे शिफ्ट होने का मतलब है कि D0 डज नॉट एग्जिस्ट नाउ,
अब आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व ये है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व वहीं का वहीं है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो जहाँ पे डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ठीक है। डी वन इज ओरिजिनल डिमांड कर्व, डी नॉट डज नॉट एग्जिस्ट नाउ, लेकिन उसको हम मिटाते नहीं हैं ग्राफ में से, दिखाते हैं कि इनिशियली ये था फिर ये हो गया, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई की इंटरेक्शन हमने पहले यहाँ देखी थी, इसकी वजह से पी नॉट प्राइस आई थी, क्यू नॉट क्वांटिटी आई थी। अब डिमांड सप्लाई यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पी वन प्राइस है, क्यू वन क्वांटिटी है, प्राइस बढ़ गई है और क्वांटिटी भी बढ़ गई है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने ये कंक्लूड किया था कि वेन एवर देर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर एनी थिंग, उस गुड की प्राइस और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अच्छा मैं एक चीज़ रिपीट कर दूँ, ये जो क्वांटिटी हम रेफर कर रहे हैं, दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड एज वेल एज द क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। जब भी उसको हम अपनी जबान में कहते हैं क्वांटिटी ट्रेडेड, ठीक है, ये क्वांटिटी ट्रेडेड है, ये और ये जो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल है, ठीक है, सेम इस केस में भी, शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे इक्वल हो गए, शिफ्ट होने से पहले यहाँ पे इक्वल थे, ठीक है। तो क्वांटिटी ट्रेडेड भी कहते हैं इसको, मार्केट क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ये मार्केट क्वांटिटी है, मार्केट प्राइस है, मार्केट में इतनी क्वांटिटी ट्रेड होगी एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है। तो डिमांड बढ़ने का फ़ायदा प्रोड्यूसर्स को होता है, दे सेल मोर गुड्स एट अ हायर प्राइस, दोनों चीज़ें अच्छी चीज़ें उनके लिए, ठीक है। वी मूव डाउन, वी टॉक्ड अबाउट डिक्रीज इन डिमांड, सिमिलरली वी कंक्लूडेड कि यार डिमांड जब भी कम होगी प्राइसेस विल फॉल, सही है, हमने डायग्रामेटिकली शो किया प्राइसेस कम होगी डिमांड फॉल होने की वजह से, एंड क्वांटिटी ट्रेडेड विल डिक्रीज, तो प्रोड्यूसर नुकसान में, प्रोड्यूसर वुड बी एबल टू सेल लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स एट अ लोअर प्राइस, तो ऑब्वियसली उसका जो रेवेन्यू है वो कम होगा, ठीक है। रेवेन्यू हमारे लिए, हम बड़ा सिंपल, रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है, लेकिन नॉर्मली हम इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू को सिंपली कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस विद द क्वांटिटी, क्वांटिटी ट्रेडेड, सही ना, क्वांटिटी लिखते हैं सिर्फ, लेकिन आपको पता ही है ट्रेड हुई है ना, या क्वांटिटी सोल्ड कर लें, ठीक है, सोल्ड वुड बी अ बेटर वर्ड अकाउंटिंग टर्म्स में भी। तो अगर प्राइस भी कम हो रही है, क्वांटिटी भी कम हो रही है, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू कम होगा, ठीक है। और इसका मतलब ये था कि अगर मैं 10 रुपये की एक चीज़ बेच रहा हूँ और मैंने 50 यूनिट बेचे, तो मैं टोटल 500 कमा रहा हूँ, ठीक है। तो रेवेन्यू 500 था, अगर मेरी, ये मेरा इनिशियल रेवेन्यू था, फॉर एग्जांपल इसको हम कर लेते हैं, ये 10 रुपीज़ था इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वान्टिटी थी 50, ठीक है, प्राइस कम हो के 8 हो गई और क्वांटिटी कम हो गई 40 हो गई, तो प्राइस भी कम हो रही है, क्वांटिटी भी कम हो रही है, तो आपका रेवेन्यू जो है वो 8 × 40 = 320 हो जाएगा, ठीक है ना। प्राइस भी कम होने से, क्वांटिटी भी कम होने से ऑब्वियसली रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ मैं दिखा रहा हूँ या अभी ये जो कहानी है इस के इस स्टेज पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई थिंक अभी से हम बातें करना शुरू करें ताकि जब हम इसको दिखाएंगे ग्राफ पे रेवेन्यू वगैरह को भी, तो भी हमें समझ में आता रहेगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, क्वेश्चन मार्क लिख के भेज दें, नहीं तो ओके लिख के भेज दें। आपकी अटेंडेंस भी इस वक्त की, अटेंडेंस लो क्यों है यार इतनी, आज नॉर्मलाइज हो रही थी अटेंडेंस साथ साथ, आज क्लास लेट होने की वजह से लो हुई है मेरे ख्याल से। मैं देखता हूँ आज जो लोग एबसेंट हैं यार वो खैर मनाएं अपनी, क्योंकि उन फिज़िकल क्लासेस में ही देखूँगा यार, अभी तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। खैर मुझे पता है क्लियर है सब कुछ, तो ओके लिख के भेजें जी। बाकी लोग, अहमद, अशर, तहा, हसनैन, रेवेन्यू वगैरह सबका चक्कर समझ में आ गया, क्लियर है ये चीज। अब्दुल अजीज, ओके, तहा, ठीक है, अशर, हसनैन, क्या सीन है, समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा आप जवाब नहीं देंगे, मैं क्लास से निकाल दूंगा आपको। सेम गोस फॉर हसनैन, हसनैन कोई कन्फ्यूजन है क्वेश्चन मार्क लिख के भेजा, नहीं तो ओके लिख के भेजा। ठीक, ओके जी, अच्छा मैं क्लास से निकाल रहा हूँ आपको।
ओके ठीक है, देन मूविंग ऑन। थर्ड चीज हमने देखी थी वो थी इंक्रीजिंग सप्लाई। सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है, हमने ग्राफ बनाया, जो भी चीज़ हमने कहा बढ़ेगी राइट पे जाएगी, ग्राफ हमने बना चुके हैं इस चीज़ का। सप्लाई की बढ़ने की वजह से क्वांटिटी जो है, क्योंकि अब ये आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जहाँ पे डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलती है। हमने देखा प्राइस कम हो गई है, क्वांटिटी बढ़ गई है। वी कंक्लूडेड कि जब भी किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है उसकी वैल्यू या प्राइस कम हो जाती है और सिमिलरली क्वांटिटी भी कम हो जाती है, ठीक है ना। ये क्वांटिटी कौन सी है, वही है क्वांटिटी ट्रेडेड, सॉरी क्वांटिटी कम नहीं हुई है, क्वांटिटी कम नहीं हुई है, क्वांटिटी बढ़ी है, जी बढ़ी है ना क्वांटिटी। अच्छा अब ज़रा मुझे कोई बता सकता है कि इस केस में रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा? और आपको रेवेन्यू समझ में आ गया कि रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वान्टिटी। यहाँ पे प्राइस कम हो रही है सप्लाई बढ़ने की वजह से, क्वांटिटी बढ़ रही है, तो रेवेन्यू के साथ क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? रेवेन्यू बढ़ेगा। बढ़ेगा, डिपेंड करेगा तो किस चीज़ पे, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? मोस्ट ऑफ द आंसर्स इन इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद इट डिपेंड्स। आप पहले ही कहानी कर देते डिपेंड्स, क्योंकि बढ़ेगा इज द रॉन्ग आंसर, कम होगा इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन वर्ट, नहीं कम नहीं होगा। देखिए मैं आपको एक केस करके दिखा देता हूँ समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल जो रेवेन्यू था आपका वो था 10 टाइम्स, प्राइस 10 थी आपकी और क्वान्टिटी जो थी वो फॉर एग्ज़ाम्पल 50 थी, तो आप 500 कमा रहे थे। हम कह रहे हैं प्राइस कम हुई है, प्राइस कम करके हम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 8, क्वांटिटी जो है वो बढ़ी है, क्वांटिटी बढ़ा के हम करते हैं 60, 60 टाइम्स 8 ये हो गया 480, ये तो कम हो गया, सही है ना। हमने प्राइस कम की, क्वांटिटी बढ़ाई तो रेवेन्यू कम हो रहा है। या लेकिन अगर इसके बरक्स में कोई और केस बनाता कि 10 की जगह मैं प्राइस कम करके 8 ही करता लेकिन क्वांटिटी बढ़ा के 60 नहीं करता 70 कर देता, तो रेवेन्यू बढ़ भी जाता। तो रेवेन्यू बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट, चेंज इन रेवेन्यू वुड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटीज, इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। इंटेंसिटी से मुराद क्या, शिद्दत, कितनी इंटेंसिटी, कितना सीवियर चेंज आया प्राइस में क्वांटिटी में। इसको आप आगे भी लिख सकते हैं, मतलब आप चाहें तो आप ये कर लें कि इफ प्राइस डिक्रीज्ड बाय हायर इंटेंसिटी, अगर प्राइस जो है वो ज्यादा इंटेंसिटी से कम हुई है देन रेवेन्यू विल फॉल, देन रेवेन्यू विल फॉल। अगर प्राइस का जो डिक्रीज है वो ज्यादा है, सही ना, क्योंकि प्राइस का कम होना रेवेन्यू कम कर रहा है, क्वांटिटी का बढ़ाना रेवेन्यू को बढ़ा रहा है। तो अब ये इफेक्ट ज्यादा इंटेंस है या ये इफेक्ट ज्यादा इंटेंस है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर प्राइस जो है वो कम बहुत ज़्यादा हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन दोनों केसेस को मिटा दूं और एक मैं आपको ज़रा एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल दिखाऊं, अगर हम बोले प्राइस का जो इफेक्ट है वो बहुत इंटेंस है, प्राइस कम हो गया बिल्कुल 10 की जगह 4 हो गई है और क्वांटिटी का इंक्रीज बिल्कुल थोड़ा सा है 60 हुआ है, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू विल फॉल, जो कि हमने लिखा है इफ़ प्राइस डिक्रीज बाय अ हायर इंटेंसिटी देन रेवेन्यू विल फॉल। अदरवाइज का मतलब क्या होगा कि क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय हायर इंटेंसिटी, अदरवाइज रेवेन्यू विल राइज। अब क्वांटिटी अगर हायर इंटेंसिटी से बढ़े, हम बोले प्राइस थोड़ी सी कम हुई है, बिल्कुल प्राइस जो है बिल्कुल थोड़ी सी कम हुई, 10 की जगह 9 हो गई, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई 100 हो गई, 900 हो गया, तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई है, समझ में आई तो ओके लिख के भेजे, कोई कन्फ्यूजन है पूछ ले।
अब्दुल अजीज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ वी डोंट नो व्हाट डू वी मीन बाय इलास्टिसिटी, वी डू नॉट नो. सही है, आपको ये जो मैंने बोला ये बताएं, ये समझ में आया? ओके हमजा, ठीक है, तहा, वेरी गुड जी. हरीम, हसनैन, क्या सीन है? ये कहानी समझ में आई है अब तक? पहली चीज हमने पढ़ी है डिपेंड से जो स्टार्ट होती है. गुड सीन है, ठीक है, मान लेते हैं. सही है फिर. फाइनली लास्ट केस, डिक्रीज इन सप्लाई. ठीक है, तो डिक्रीज इन सप्लाई का ये सीन है कि क्वांटिटी, ओरिजिन, प्राइस. आपने पहले यही करना है कि इनिशियल डिमांड, इनिशियल सप्लाई दिखा देनी है. ये तो आपने हमेशा ही करना है ना, इसको तो बांध ले. ठीक है, और इस वजह से आपको इनिशियल प्राइस मिल जाएगी, इनिशियल क्वांटिटी मिल जाएगी. ठीक है, सप्लाई कम हो रही है, हमने ये चीज़ डिसाइड कर ली है कि जब भी कोई चीज़ कम होती है वो जाती है लेफ्ट पे. सप्लाई कम होकर जाएगी लेफ्ट पे, S1. ठीक हो गया, सप्लाई कम हो रही है, बस सप्लाई का शिफ्ट हो गया. अब ये आपका जो है नया इंटरसेक्शन पॉइंट है. दिस विल गिव यू योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. तो इक्विलिब्रियम प्राइस हम देखने के बढ़ रही है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो रही है. मतलब कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस सॉरी बढ़ेगी नहीं, हम सप्लाई कम करने की बात कर रहे हैं, जब भी सप्लाई कम होगी प्राइस जो है वो बढ़ेगी और क्वांटिटी ट्रेडेड भी ये कम हो जाएगी. ठीक है ना, हमने जी समझ में आई है. अच्छा, रेवेन्यू के साथ क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा, जल्दी से बताना. रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा? कहा क्या कर रहे हो यार, अभी तो समझाया ना. डिपेंड्स, डिपेंड्स इकोनॉमिक्स में वी ऑलवेज स्टार्ट विद डिपेंड्स, वी ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद डिपेंड्स. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी. तुमने बात की थी कि कौन सा जो इफेक्ट है वो ज्यादा शिद्दत के साथ आया, प्राइस बहुत ज्यादा कम हुई है या क्वान्टिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है, इस पर डिपेंड पड़ेगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, क्वान्टिटी कम हो रही है. प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, क्वान्टिटी कम होने से रेवेन्यू कम होना चाहिए. इवेंचुअली रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा वो डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द चेंजेस. ओके हमजा, ओके हसनैन, ओके ओके बता दिया करो भाई. अहमद ओके रे, कोई भी रिप्लाई करो, मैं तुम्हें क्लास से निकाल लो, वरना कोई रिप्लाई नहीं आया तुम्हारा अभी तक. अहमद मुनीर, सर ये तो समझ आ रहा है लेकिन मैंने पहले की क्लास ली भी नहीं है. यार ऑडियो ना बोला करो, पता है, कोशिश करो चैट पे जवाब दे दिया करो. ठीक है, हाँ सही है. तो ये समझ में आ रहा है तो ये तो ओके लिख के भेजो ना. ठीक है, पहले ही क्लास नहीं ली तो वो मैंने आपको बताया ना यार, उसका मैं हर क्लास में एक ही चीज़ मैं दोबारा सॉरी रिपीट करूँगा कि आपने देखने पुराने लेक्चर्स, वो अपलोड ही नहीं है. नहीं नहीं अपलोडेड है, अपलोडेड है. अच्छा, एक क्लास के बाद मुझसे पूछना अपलोडेड है कहाँ है, ये मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा सर फैजान से, सर शेफ से, बता देंगे आपको. ठीक है, ओके देन. अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये समझ लें, सप्लाई का समझना ज़रा इम्पोर्टेंट है. मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट टाइम वी डॉक्ट के यार, जब आप अपनी सप्लाई बढ़ा देते अपने दोस्तों में तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, होता है ना ऐसा. जितना ज़्यादा अवेलेबल होंगे आप लोगों के लिए, लोगों को लगेगा आप फारिग हैं, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, प्राइस उतनी कम होती रहेगी. ठीक है, जितना आप कम, आप लोग आपको बुलाते रहे, आप बोले नहीं यार मैं बड़े काम में लगा हूँ, मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कोई बिजनेस चल रहा है मेरा, कुछ चल रहा है, लोगों को लगे नहीं इस बंदे की वैल्यू है, प्राइस ज़्यादा है.
ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल ये देता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा सप्लाई होती है ना, उतनी कम उसकी वैल्यू होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँगा कि ये कोई एक परिंदा है जो कि ना सिर्फ ना अफ्रीका के एक मखसूस जंगल में पाया जाता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर बर्ड परिंदे की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी या जो हमारे रोज हमें उड़ते हुए कौए कौए दिखते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जो अफ्रीका का परिंदा है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है। द लेसर द सप्लाई द मोर द वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को, ये चीज़ जानते हैं आपके बिजनेसमैन भी। तो हमने जो चीनी वाली बातें शुरू की थी, आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ाने का तरीका भी यही है। आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ाने का तरीका क्या है? सप्लाई रोक दें। आप सप्लाई रोक दें, प्राइस ऊपर जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुड्स की प्राइस बढ़े तो आप फॉर द टाइम बींग सप्लाई कम कर दें। यही करते हैं ना, जो आपके जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब हो जाता है या चीनी गायब हो जाती है। क्यों गायब होती है? बिकॉज ये प्रोड्यूसर्स डेलिबरेटली कर रहे हैं, बिकॉज दे वॉन्ट द प्राइस टू राइज। क्योंकि प्राइस राइज होने से उनको फ़ायदा है। उनको पता है कि यार ये वो वाले गुड्स हैं जिनमें क्वान्टिटी कोई खास कमी नहीं आएगी। आटा तो बंदा यार अगर पहले एक महीने में 10 किलो यूज़ कर रहा था पूरे महीने में, वो कितना कर देगा? 8 किलो कर देगा। ये तो नहीं है 2 किलो पे पूरा महीना गुजार ले वो। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? तो दे नो कि दिस इज अ टाइप ऑफ अ गुड जिसकी क्वांटिटी का डिक्रीज इतना कम नहीं होगा। हाँ, प्राइस का इंक्रीज जो है वो बहुत फायदा देगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द चेंज इन प्राइस इज वेरी मच हायर व्हेन वी टॉक अबाउट नेसेसरी गुड्स लाइक आटा एंड चीनी। तो वहां पे वो क्या करते हैं, दे डेलिबरेटली डिक्रीज द सप्लाई। वो स्टॉक कर लेते हैं अपना जितना भी आउटपुट होता है इन ऑर्डर टू वेट फॉर द प्राइस टू राइज। और प्राइस बढ़ती है तो वो मार्केट में ले आते हैं चीज़ें एट अ हायर प्राइस। क्वान्टिटी थोड़ी सी कम होती है, उनको कोई नुकसान नहीं होता, कहते हैं कोई बात नहीं, खैर है, प्राइस तो बढ़ गई, लोग कुछ ज़्यादा डिक्रीज तो आएगा नहीं क्वान्टिटी में। ये सारी कहानी समझ में आई तो ओके, लेकिन वजह कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें, तो दरअसल अगर मैं कंक्लूड करूं, अगर मैं सवाल पूछूं आपसे कि भाई आज लेक्चर हम छोटा ही कर रहे हैं, बस एक दो चीज़ें मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं पुरानी। अगर सवाल कोई पूछे कि यार व्हाट माइट कॉज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, किसी भी पर्टिकुलर गुड की प्राइस में इंक्रीज क्यों आया होगा? व्हाट माइट कॉज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, क्या आंसर है? जल्दी से बताएं, व्हाट माइट कॉज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, क्या जवाब आपके हिसाब से? इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, न्यू मॉडल नहीं। अच्छा, यहाँ पे अजम्पशन है हरीम की, वी आर सेलिंग द सेम गुड, सेम चीनी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, आटे की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, या किसी भी हम बात करें चॉकलेट्स बेच रहे हैं, चॉकलेट की क्वालिटी वही है, प्रोडक्ट वही है, पैकेजिंग वही है, बट प्राइस बढ़ गई। क्यों बढ़ी प्राइस? लेस सप्लाई मोर डिमांड, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। किसी भी चीज की प्राइस बढ़ने के सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं। हमने कंक्लूड कर दी बात अपनी, प्राइस बढ़ने के सिर्फ दो ही वजह हो सकती हैं, क्या? आइदर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई, बस। किसी भी चीज की प्राइस बढ़ने के हमारे पास दो ही वजूहत हैं, या तो उसकी डिमांड बढ़ रही है या उसकी सप्लाई कम हो रही है, एंड सो बस, और कुछ नहीं। ये बात समझ में आ रही? किसी भी, कोई भी चीज़ महंगी क्यों होती है? अगर आपसे कोई पूछे कोई चीज़ महंगी क्यों हो रही है, उसके दो ही आंसर होंगे, मतलब सेम चीज़। यहाँ अजम्पशन है हमारी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, सेम क्वालिटी, सेम पैकेजिंग, सेम फीचर्स, मगर वो महंगी हो रही है, आइदर उसकी डिमांड बढ़ी है या उसकी सप्लाई कम हुई है, क्या दोनों हुआ है? और कोई रीज़न नहीं है। डॉलर महंगा क्यों हो रहा है?
डॉलर की डिमांड बढ़ रही है या डॉलर की सप्लाई कम हो रही है? गोल्ड महंगा क्यों हो रहा है? सप्लाई कम हो रही है। टमाटर सस्ते क्यों हो गए थे अचानक से? अच्छा अभी सस्ते पे माने नहीं है, सॉरी, टमाटर महंगे हो गए वापस, वापस महंगे हो गए, डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई कम हो गई है। ठीक है, जब भी किसी भी अगर आप एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो खरीदते हैं, अगर आप खासतौर पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह या कोई भी आप अगर सब्जी लेने जाते हैं या फ्रूट्स लेते हैं और उनसे पूछें यार कि इतना महंगा क्यों है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दे विल आंसर यू यार कि फसल बर्बाद हो गई है, पीछे सप्लाई बहुत कम आ रही है। टैक्सेस भी तो प्राइस इंक्रीज करते हैं। अरे क्या बात कर दी, जब हम टैक्सेस पाएंगे ना तो मैं उसका जवाब दूंगा। सिर्फ दो आंसर है, प्राइस क्यों बढ़ती है, डिमांड के बढ़ने की वजह से या सप्लाई कम होने की वजह से, और कुछ नहीं। टैक्सेस को हम अपने डायग्राम पे कैसे दिखाएंगे, वो हम टैक्सेस का इफेक्ट जो है वो या तो डिमांड के ऊपर आएगा या सप्लाई के ऊपर आएगा, तो इवेंचुअली हम यही बोलेंगे तो डिमांड चेंज हो रही है, सप्लाई चेंज हो रही है। टैक्सेस हो, सब्सिडी हो, कोई भी दुनिया में हरकत हो रही है, दे विल इफेक्ट योर डिमांड और सप्लाई, और कोई रीजन नहीं है। ओके ओके बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, टैक्सेस तो फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है। हो गया, अब मुझे सिमिलरली आप बताएं, अगर कोई आपसे पूछे कि यार कोई चीज़ सस्ती क्यों होती है, व्हाट माइट कॉज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड, किसी भी चीज़ की प्राइस कम क्यों होती है, क्या वजह हो सकती है उसकी? लेस डिमांड, बिल्कुल ठीक है, आइदर डिमांड सप्लाई इज अफेक्टेड, अधूरा आंसर है, डिमांड डिक्रीज एंड सप्लाई इंक्रीज, ये पूरा आंसर है, पूरा आंसर है, हाँ बिल्कुल ठीक, सेम फैक्टर्स नहीं, सेम फैक्टर्स नहीं है। आंसर क्या हमारा, या तो डिमांड कम हो गई है इसलिए सस्ते हो गए, सही है ना, आइदर हम कह रहे हैं कि डिमांड कम हो गई है और सप्लाई बढ़ गई है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई रीजन नहीं हो सकता किसी भी चीज से सस्ते होने का। फॉलो कर रहे, कोई भी चीज सस्ती हो रही है ना, अगर आपके सामने बोले ना इसकी इसकी वैल्यू कम हो रही है, उसका एक ही रीजन है भाई कि या तो उसकी डिमांड कम हो गई है, सप्लाई बढ़ गई है, बहुत ज्यादा सप्लाई आ गई है मार्केट में इसलिए सस्ता कर दिया, डिमांड ही नहीं है तो सस्ता कर दिया। महंगी क्यों हो रही है, डिमांड बहुत हो गई है कि सप्लाई बहुत कम हो गई है। अच्छा, और प्राइस जो है ना, प्राइस का बेसिकली मतलब क्या हमारे लिए, व्हेन यू टॉक अबाउट प्राइस यू टॉक अबाउट द वैल्यू, व्हेन यू टॉक अबाउट प्राइस यू टॉक अबाउट द वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू के सेंस में जब आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि जो डॉक्टर्स हैं वो करोड़ लॉकडाउन की वजह से उनकी ना वेजेस बहुत बढ़ गई हैं, अब डॉक्टर की जो वेजेस है या सैलरी है जो भी है वो डॉक्टर की प्राइस है ना, वो वैल्यू है। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम सेम डिस्कशन विल अप्लाई, तो अगर हम बोले डॉक्टर की प्राइस जो इतनी महंगी क्यों हो गई है, डॉक्टर तो ज्यादा वेज क्यों चार्ज कर रहे हैं, उसके भी आंसर दो ही होंगे, या तो भाई डॉक्टर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है या सप्लाई कम हो गई है। फॉलो कर रहे, प्राइस का मतलब वैल्यू है ना हमारे लिए, प्राइस का मतलब क्या, वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी भी चीज की वैल्यू की, किसी भी इंसान की वैल्यू की, तो उसका रीजन यही हो सकता है कि वो अगर उसकी वैल्यू कम क्यों हो रही है, बढ़ क्यों रही है। हमने सारी डिस्कशन को एंड कर दिया, हमने कहा भाई यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, कोई भी चीज महंगी क्यों होती है, या तो डिमांड बढ़ गई होगी या सप्लाई कम हुई होगी, या दोनों। कोई भी चीज सस्ती क्यों होती है, या डिमांड कम हुई है सप्लाई बढ़ी है, या दोनों। फॉलो कर रहे हैं इस चीज को, गोज फॉर एवरीथिंग, डॉलर महंगा क्यों हो रहा है ये भी इसी में आएगा, कोई शेयर प्राइस महंगी क्यों हो रही है किसी भी चीज की, किसी कंपनी की शेयर प्राइस शेयर वैल्यू ऊपर क्यों जा रही है, दो ही वजह है, या तो उसकी सप्लाई कम है या डिमांड ज्यादा है, और कुछ नहीं। ये सारी समझ में आ रही है बातें, तो ओके लिख के भेजो, कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लो।
डॉलर कैसे ना, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम पे, डॉलर की वैल्यू क्या है ना, डॉलर की वैल्यू क्या है, व्हेन टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ डॉलर, तो प्राइस ऑफ डॉलर क्या है, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्यों बढ़ रहा है या क्यों कम हो रहा है, डिमांड सप्लाई, डॉलर की डिमांड डॉलर की सप्लाई। अब डॉलर की डिमांड जो है वो क्यों होती है, सप्लाई क्यों होती है, वो पूरा टॉपिक है हमारा एक्सचेंज रेट का। एक्सचेंज रेट जब पढ़ेंगे समझाऊंगा, अभी के लिए मान लो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो। ओके ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये जो सारी बातें कर रहा हूँ ना, पहला आपने सवाल पूछा था भाई हु कॉल द शॉट, हु डिसाइड द प्राइसेस, ठीक है, पहला सवाल ये था ना, ये मैंने लिखा था यहाँ पे, हाँ ये हु डिसाइड द प्राइसेस, आंसर क्या दिया हमने, डिमांड सप्लाई, हु डिसाइड द प्राइसेस, डिमांड सप्लाई। फिर हमने सवाल पूछा भाई अच्छा डिसाइड तो हो गई, डिसाइड हमने कहा कैसे होगी, पूरी कहानी सुनाई हमने और बोला भाई जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डिमांड सप्लाई, दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। देन वी मूव्ड ऑन, हमने चलो डिसाइड तो हो गई, अब चेंज कैसे होंगी, हाउ प्राइसेस चेंज ओवर टाइम, हमने कहा चेंज है डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई जब भी चेंज होगी प्राइस चेंज होगी, चेंज चेंज दो ही तरह की आ सकता है ना, या तो प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है, चेंज का मतलब या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने का रीज़न हमने तोड़ दिया कि भाई इंक्रीज तभी होगा या तो डिमांड बढ़े या सप्लाई कम हो, डिक्रीज होने का रीज़न और ब्रेक किया उसको, बोला भाई डिक्रीज क्यों होगी प्राइस, फॉल क्यों होगी, ये तो डिमांड कम हो रही है या सप्लाई बढ़ रही है। ये सारी बातें हम नहीं कर रहे, ये सारी बातें कौन कर रहा, ये सारी बातें कर रहा एडम स्मिथ, ये उनकी सारी थ्योरी है जिसको हम शुरू से पढ़ रहे हैं ना, और ये जितना भी हमने पढ़ा है इसको कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। और मैंने बताया था कि प्राइस मैकेनिज्म जो है ये प्राइस मैकेनिज्म जो है इसको वो कहते थे इनविजिबल हैंड, ये उनकी इनविजिबल हैंड थ्योरी है, और ये इन इटसेल्फ इतनी ज़्यादा इंक्लूडेड नहीं है आपके सिलेबस में, बस ऊपर से नाम ही है इसका, ठीक है। तो और ये जो हमने सारी कहानी पढ़ी है ना, ये कॉइन तो एडम स्मिथ ने की थी सारी थ्योरी, लेकिन वी ऑल अग्री टू दिस, इवन इस्लाम अग्रीज टू दिस, इस्लाम में भी जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, इस्लामिक इकोनॉमिक्स, वो भी मार्केट की फोर्सेस के ऊपर बात होती है, डिमांड सप्लाई की, ठीक है, लेकिन इस्लामिक जो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो पर्सपेक्टिव कुछ हद तक इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे भी, वो ये कहते हैं ठीक है वी अग्री कि दिस विल बी द केस, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्राइस मैकेनिज्म जो है ये चलेगा, प्राइस मैकेनिज्म विल रन स्मूथली अनलेस द गवर्नमेंट इंटरवीन्स, इंटरवीन का मतलब दखल अंदाजी ना, गवर्नमेंट ने अब तक इंटरवेंशन नहीं की कोई, तब तक ये स्मूथली चलेगा, अनलेस एंड अंटिल द गवर्नमेंट इंटरवीन्स इट विल रन स्मूथली। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हेन इट इज ऑलरेडी रनिंग स्मूथली तो गवर्नमेंट को क्या पड़ी है कि भाई हम इंटरवीन करें, अपना टाइम लगाएं, रिसोर्सेज लगाएं, क्यों हम बिला वजह मार्केट को छेड़ें। अच्छा यार ये प्राइवेट मैसेज ना किया करो ना, लॉकडाउन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, लॉकडाउन में मैंने कहा था ना फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड तो अनलिमिटेड है, बिल्कुल अनलिमिटेड है, उसमें लॉकडाउन आएगा ऑब्वियसली, मैंने डिस्कस की थी ये बात। तो जब तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती स्मूथली चलेगा, गवर्नमेंट इंटरवीन करती क्यों है ये हम पढ़ेंगे थोड़ा बाद में, उसका रीज़न बेसिकली यही होता है कि गवर्नमेंट को लगता है जो प्राइस डिसाइड हो रही है ना मार्केट मैकेनिज्म से, प्राइस मैकेनिज्म से जो प्राइस आ रही है वो या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, या तो बहुत ज़्यादा है, जैसे चीनी बहुत महंगी है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी भाई कि क्या कर रहे हो, इंटरवेंशन के तरीके हमारा पूरा चैप्टर है हम देखेंगे, ठीक है, उसमें टैक्सेस सब्सिडीज जो भी चीज़ें हम देखेंगे। और कभी कभार गवर्नमेंट को लगेगा प्राइस बहुत कम है, प्राइस कम उसको तब लगेगा जब वो किसानों की बात होगी यार क्या उनको पैसे ही नहीं मिल रहे, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि कुछ मिले यार प्राइस थोड़ी बढ़े, ठीक है, पाकिस्तानी केस में ऐसा नहीं होता आमतौर पर, होना चाहिए किसानों के लिए, लेकिन गवर्नमेंट डज इंटरवीन इन पाकिस्तान और दुनिया भर में, क्यों करती है उसको हम एग्जैक्टली देखेंगे सही से। अभी के लिए हमने जो पढ़ा है यही आंसर है, इसके अलावा और कोई थ्योरी है नहीं। अच्छा ये एवरीवन एग्रीस, ठीक है, उसको मैं और डिटेल में लेके जाऊंगा डिमांड सप्लाई को प्राइस मैकेनिज्म को जब हम लोग और आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे। अभी के लिए क्लियर है, डायग्राम्स वगैरह क्लियर है, पहली बार देख रहे हो डायग्राम्स तो क्लियर हो गई है, ठीक है,
इनको जरा मैं एक एक क्लास और लूंगा और वाइंड अप कर दूंगा इस चैप्टर को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें, क्लास खत्म कर रहे। ठीक है देन, अल्लाह हाफिज़।